दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख की बेल की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देखिए, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में इस साल के फरवरी में दंगे हुए थे, जिसमें एक लड़के ने पिस्टल से फायरिंग की थी। दंगे के दौरान उसने करीब 8 राउंड फायरिंग की थी। ये लड़का अरविंद नगर का रहने वाला है, जिसका नाम शाहरुख है। शाहरुख को कुछ दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद वह जेल में है। शाहरुख अब बेल लेने की कोशिश में जुटा है, लेकिन उसकी जमानत दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सुरेश कुमार ने कहा, वो आरोपी शाहरुख को राहत देने के पक्ष में नहीं है। इसके बाद शाहरुख के वकील ने याचिका वापस ले ली है। कोर्ट ने ये भी कहा, अगर आप कानून खुद के हाथ में लेते हो तो हीरो बनते हो, तो फिर आपको कानून का सामना भी करना होगा। आपका मकसद हीरो बनने का था। शाहरुख ने अपनी याचिका में कहा था कि उसके पिता की उम्र 76 साल है, जो बीमार है, उनकी देखभाल करनी है, क्योंकि परिवार में कोई और नहीं जो देखभाल कर सके। इस पर शाहरुख के वकील असगर खान ने कहा, शाहरुख का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मामले में चार्जशीट भी फाइल हो गई है, इसलिए उसे जांच की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही वकील ने जामिया की सफूरा जरगर को मिली बेल का भी हवाला दिया गया। वकील ने कहा, सफूरा को माननीय आधार पर जमानत दी गई है, इसलिए शाहरुख की जमानत भी उस आधार पर कंसीडर की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।